नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के F1 वीजा के बारे में। F1 वीजा उनके लिए होता है जो स्टूडेंट वीजा बाहर जा रहा है उसके पढ़ने के लिए, उसको स्टडी वीजा को F1 वीजा कहते हैं। अगर साथ में स्पाउस जा रहा है तो उसको हम F2 वीजा कहते हैं। F1 वीजा F2 वीजा के बारे में आज डिस्कस करेंगे इसी चैनल के जरिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूएसए के बारे में। यूएसए एक पहली कंट्री है जहां पे लोगों ने विदेश में जाके पढ़ने का सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद यूके ने सिलसिला शुरू किया था। इनको देखा देखी सभी कंट्रियों ने ये मुहिम शुरू की, चलो क्यों ना हम भी एक कंट्री को प्रोसेस शुरू करते हैं कि बच्चे हमारी कंट्री में आए, पढ़े, कल्चर को सीखे, थोड़ा इन्वेस्ट होगा, हमारी कंट्री डेवलपमेंट होगी। अब रही बात स्टडी के बारे में, स्टडी में यूएसए नंबर 1 कंट्री है क्योंकि नंबर ऑफ कोर्सेस यूएसए में ही में मिलते हैं। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, तो आपको वहां पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जब भी आप टॉप 100 की लिस्ट खोलेंगे यूनिवर्सिटियों के बारे में, उनमें से 30 कॉलेज यूएसए का आपको जरूर मिलेंगे। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि यूएसए की यूनिवर्सिटी कितनी वैल्यू है। यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, यूएसए में 9000 से ज्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड लेवल में है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं 10 लाख से ज्यादा हर साल बच्चे यहाँ पे एडमिशन होती हैं, वीजे रखते हैं। अगर आप आफ्टर 12th आपके डिग्री यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूएसए स्टडी वीजा, क्योंकि यहाँ का वीजा लेना बहुत ही इजी है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। अगर आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी नहीं है तो यहाँ अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जो एम्बेसी वाले वीजा है वो हमेशा इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल वालों को ही देते हैं। अब आपने एडमिशन यहाँ पे लेना कैसे? एडमिशन लेने के लिए आप यहाँ पे आईएलटीएस भी लगा सकते हैं, टॉफल भी लगा सकते हैं, पीटी भी लगा सकते हैं, और आपकी जो स्टडी है कम से कम 60% नंबर तो होने ही चाहिए। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी और कम बजट में हो। जब वहाँ पे एडमिशन के लिए डन हो जाता है तो वहाँ से हम जब फीस ट्रांसफर करते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे I20 जनरेट होता है। I20 जनरेट होने के बाद वो उसका एडमिशन लेटर जो कि हम एम्बेसी में जमा कराते हैं, एम्बेसी में जमा कराने के बाद हमें एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। हमें इंटरव्यू देने के लिए खुद एम्बेसी में प्रेजेंट होना पड़ता है। उस एम्बेसी वाले ये आपसे यही सवाल पूछेंगे, आपका जो फंड है फंड कहाँ से आए, आपका I20 आपने कैसे जनरेट किया, कैसे आपने एडमिशन लिया, कैसे आपने यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट किया, आफ्टर स्टडी आप क्या करना चाहेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे। जब यूएसए एम्बेसी आपको वीजा देती है, ये पहली ऐसी कंट्री है जो सीधा आपको 5 साल का वीजा देती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए में पढ़ना चाहते हैं, इसका एक ही कारण है। यूएसए में लोग इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे वहाँ पे स्किल लेवल है, वहाँ पे जाके अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप भी यूएसए जाना चाहते हैं तो मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी के जरिए या व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा जो यूएसए का टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।